उत्तर प्रदेश में योगी राज, आप समझ सकते हैं आदित्य योगी। योगी का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण योगी। योगी का मतलब ही नहीं है एक पीला कपड़ा पहन के और बाबा का रूप रख के अत्याचार कभी नहीं हो सकता है। माननीय नेताजी की एक आवाज जिस समय किसी भी कोने से निकलती थी तो यही जो ढकोसलेबाज आज झूठे फरेब अपनी गलत कहानियों से देश पर राज कर रहे वो हिल जाते थे। और नेताजी को कभी भी इनकी नजर सामने नहीं गई और आज आप देख रहे हैं कि देश को गुमराह करके किस तरह हमारे ऊपर राज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी राज, आप समझ सकते हैं आदित्य योगी। योगी का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण योगी। योगी का मतलब ही नहीं है एक पीला कपड़ा पहन के और बाबा का रूप रख के अत्याचार कभी नहीं हो सकता है। और उस अत्याचार को आप लोग देख रहे हैं कि जो भाई पुष्पेंद्र 21 साल का था जो झांसी के अंदर, और उसका दिन दहाड़े मर्डर करा दिया गया। हिंदू वैसे हिंदू कहते हैं, वह हिंदू रीत रिवाज से कभी भी उसका दाह संस्कार नहीं होने दिया। उसका जो दाह संस्कार किया इतनी बुरी तरह से किया गया कि लोग आज भी अपने शरीर के अंदर ये बात सोच ले कि हमारे साथ क्या हो रहा है तो हो सकता रात भर नींद नहीं आएगी। उस माताओं को पूछो, उस बेटी को पूछो जो उसकी 3 महीने पहले शादी हुई थी, 3 साल पहले शादी बता रहे, और उसकी हालात ये हो गए थे कि उसकी मरणासन्न अवस्था में और कोई भी इनका नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा। माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जहां भी हम लोग संगठित हुए, आप लोगों ने देखा कि अभी एक हत्या हुई थी, उसका इन्होंने 24 घंटे में मिठाई के डिब्बे का पता लगा लिया, लेकिन पुलवामा में जो RDX मिला था वो आज तक पता नहीं लगा पाए, क्योंकि लगता है दाल काली है या दाल पूरी काली हो चुकी है इनकी। ये इनका षड्यंत्र है, आप देख सकते हैं सभी के सामने आ रहा है। लेकिन सत्ताधारी इस समय हिंदुस्तान के अंदर जड़े जमाए बैठे हैं। कभी भी आप अपने घर की बात करो, हिंदुस्तान की बात करो, रोजी की बात करो तो आपको पाकिस्तान का एजेंडा दिखा देते हैं। पाकिस्तान के अंदर आलू महंगे हैं, पाकिस्तान के अंदर प्याज महंगी है। अरे हमारे देश के लोग देखो जिन्होंने आपको खुश होकर वोट दिया। वोट देने का मतलब ही ये था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपने जिस तरह से जुल्म ढा रहे हो मेरे भाइयों, मैंने कई लोगों से मीटिंगों में जाके और वैसे भी बात की, ऐसे अंधे बैठे हुए हैं, एक ऐसा ईगो दिमाग में डाल दिया है। मैंने भाई ये बताओ, ये सारी सरकारी जो जितने महकमे हैं खत्म करते जा रहे हैं। बोले बहुत अच्छा हो रहा है जी। मैंने कैसे अच्छा हो रहा है, एक से पूछ लिया मैंने, हाजी जी एक से पूछा मैंने, आपके घर में कितने बच्चे हैं? कि 2 बेटियां हैं। मैंने शादी करना चाहते हो कहाँ? सरकारी मिल जाए तो कैसा रहेगा? अरे बहुत बढ़िया रहेगा। अरे तुम सरकारी मिलेगा कहाँ से? तेरे आंखों पे पट्टी बांध दी है। वो सरकारी को बोल रहा है कि काम नहीं करते इसीलिए सरकारी ये जो भी महकमे खत्म किए जा रहे हैं। तो सरकारी जितने भी हमारे BSNL देख लीजिए, आने वाला समय जब हिंदुस्तान का पूरे विश्व के अंदर BSNL छक्का के नाम से, BSNL छक्का जब क्रिकेट में जो चौका छक्का लगता था तो BSNL का नाम था। आज BSNL को डुबोगे खा गए, MTNL को डुबोगे, HFCL को डुबोगे। जिन कंपनियों के द्वारा हमारे गरीब लोगों को रोजी रोटी मिलती थी वो इन्होंने पूरी तरह से उसको खत्म करने का काम किया। समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली से लेके जहां भी होंगे यही गूंज होगी कि इनके झूठे फ्रेम में फंसे, झूठ फ्रेम में ये लोग फंसा के गुमराह करके हिंदुस्तान की नींव को हिलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी ये निर्णय करती है, आज भी ये निर्णय लेते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आप ये देखो अभी इन्होंने कानून का साथ लेते हैं, कानून का साथ लेते हैं कि जो कोर्ट कहेगा वो हम मानेंगे। आप भी सुन रहे हैं और ये सारे लोग सुनते हैं, लेकिन कानून ने तो उत्तर प्रदेश के अंदर बोल दिया जंगल राज है। योगी आदित्यनाथ अब क्यों नहीं इस्तीफा देते? अगर इनकी आंखों में शर्म है तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए कि अब तो कोर्ट ने बोल दिया है, अखबारों में आ चुका है, TV पे आ चुका है, अब क्यों आंख बंद करके बैठे हैं? मेरे साथियों,
हम लोगों को बहुत सोच समझ के चलना होगा कि जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आवाज नहीं निकालेंगे। भाई ने अभी बोला था कि संख्या बल कुछ नहीं होता है, एक आवाज अगर समाजवादी की लगती है, और आने वाला समय आप देख रहे हैं कि ऐसा पीस दिया जाएगा जनता को, ये लोग पीस देंगे कि अपने आप रोडों पे आ जाएंगे, और रोड पे आने के बाद उनको पता लगेगा कि हमारे साथ कितना जुर्म हो चुका है, पीढ़ियां बीत जाएंगी। इसलिए भाइयों, मैं सबसे अनुरोध करता हूं, फूट देखो, आपने देखा होगा कभी कोई अपनी बात रखता है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा देते हैं, भाई भाई को लड़ा देते हैं। कमलेश तिवारी का जो हुआ था कांड, उसका कांड का रीजन ही था, ये लोग उस मीडिया के द्वारा, उस सभा के द्वारा जो तीच भाषण दिया जाता है उसको कैच कर लेते हैं, आने वाले समय में लुढ़का देते हैं, बोलते हैं ये तो इसके साथ बुरा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा षड्यंत्र था, और षड्यंत्र के तहत इन्होंने घर में जाकर जो जबरदस्ती कमलेश तिवारी के घर को बुलाया था, वो हकीकत है, ये हकीकत है। उसकी माँ बार बार टीवी पर आप लोगों ने देखा, वो अच्छा हुआ, मैं उस मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, और मेरे यहाँ जो भी मीडिया लगे हैं भाई अच्छे हैं, तभी हमारी बात को आगे पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया ही सारा ले रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया का गला दबा रखा है इन्होंने। जब बड़े बड़े मीडिया का गला दबा रखा है तो आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी हमेशा इसका विरोध करेगी। समाजवादी पार्टी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।